जैसे ही नया साल चालू हुआ है, 2021 चालू हुआ है, वैसे ही हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए नई परेशानी सामने आ गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। अब कुछ लोगों के लिए ये परेशानी होगी और कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि मैंने जब अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी जुडिशरी के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी एक नया एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी है कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, अगर किसी स्टूडेंट को जुडिशरी का एग्जाम देना है, अपीयर होना है, तो अपीयर होने के लिए उसको मिनिमम 3 साल का एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी वो जुडिशरी के एग्जाम के अंदर अपीयर हो पाएगा, सिर्फ अपीयर हो पाएगा। ऐसी जो मैंने वीडियो डाली थी, तो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर सबके कमेंट्स पढ़े थे, उसमें ज्यादातर लोगों ने बोला हुआ था कि ये बहुत गलत बात है, ज्यादातर लोगों ने बोला था कि अच्छी बात है। अब अच्छी बात है या गलत बात है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो के अंदर एक और ऑफिशियल अपडेट आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें एलएलएम के रिगार्डिंग भी बार काउंसिल ने एक ऑफिशियल डिसीजन लिया है और ये फाइनल डिसीजन है। अब क्या डिसीजन है, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल अपडेट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी पूरा का पूरा ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और एक पूरा का पूरा 20 पेज का गैजेटे भी है, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी चेक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जो मुद्दे की बात है मेन, मैं आपको क्लियर बातें मैं बता देता हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने LLM जो 1 साल का कोर्स होता है, लॉ ग्रेजुएट जो LLM करते हैं, जिसको मास्टर्स इन लॉ भी बोलते हैं, वो LLM का कोर्स जो 1 साल का हुआ करता था, जो दूसरे कॉलेजेस कराते थे, यानी कि जो कॉलेजेस कराते थे 1 साल का LLM कोर्स, वो एबॉलिश कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया, वो रद्द कर दिया गया है। तो ये न्यूज बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेकार न्यूज है, और ऑब्वियस है ये बेकार न्यूज भी है। और कुछ लोगों को अगर ये अच्छी न्यूज लगती है तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप अपने व्यूज क्या रखते हैं, शायद हम जो है लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनका हमारा माइंडसेट चेंज हो पाए, और क्या इंटेंशन है आपके मन की, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जो LLM का 1 साल का कोर्स है वो खत्म कर दिया गया है, जो 2013 के अंदर UGC की तरफ से एक कोर्स लॉन्च करा गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से 2013 के अंदर LLM का भी 1 साल का कोर्स लॉन्च करा गया था, कि अब किसी को लॉ ग्रेजुएट को LLM करनी होती थी, सिर्फ वो 1 साल की LLM पूरी करे, अपनी मास्टर्स इन लॉ पूरी करे, अगर उसको प्रोफेसर बनना है या कहीं अच्छी और जगह जॉब करनी है तो वो कर सकता था सिर्फ 1 साल का LLM कोर्स करके। लेकिन बार काउंसिल ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी करी है, नहीं भाई, जो LLM 1 साल का था वो बिल्कुल वो अब मान्य नहीं है। अब किसी को भी LLM करनी है तो भाई आपको अपने 2 साल तो लगाने पड़ेंगे, LLB करो, LLB के बाद आपको 2 साल के अपने LLM के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप मास्टर्स इन लॉ कर पाओगे। ऐसा ऑफिशियल अपडेट पूरी जारी करी गई है जो मैंने बताया। और LLM कोर्स भी 4 सेमेस्टर्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए, ये तो वैसे कॉमन बात है कि 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर अगर कुछ डिस्प्यूट आता है तो बार काउंसिल ने अपने ऑफिशियल गैजेटे के अंदर भी साफ क्लियर कर दिया है कि LLM का कोर्स जो 2 साल का होगा वो 4 सेमेस्टर्स के अंदर कंक्लूड करके होना चाहिए। साथ ही में ये कौन से रूल के अंदर मेंशन करी हुई है कि LLM का जो 2 साल का कोर्स है सिर्फ वही मान्य है पूरे भारत के अंदर, अब वही मान्य होगा। और ये कौन से रूल के अंदर है, BCI लीगल एजुकेशन रूल्स 2020, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है डाउट्स होंगे, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी होती है, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इजी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में और सिंपल बातों के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक एक डिटेल्स में प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्या आखिर में नोटिफिकेशन आई है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, और एक्चुअल में बात जो होती है, मुद्दे की जो पॉइंट होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल मुद्दे की बातें होती है, वो रह जाती है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि LLM का जो 2 साल का कोर्स है वो मान्य है, ठीक है, कौन से रूल में यह बात लिखी है, BCI लीगल एजुकेशन रूल्स 2020 के तौर पे है, इसी रूल के अकॉर्डिंग LLM का 2 साल का कोर्स सिर्फ मान्य होगा। तीसरी बात अब ये आती है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई मैं तो अभी लॉ डिग्री पूरी करी है, मैंने तो अभी एक कॉलेज के अंदर LLM फर्स्ट ईयर जो 1 साल का कोर्स होता है मैंने तो वो ज्वाइन करा हुआ है, तो मेरे पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं उन सभी कैंडिडेट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स को बताना चाहूंगा कि आपके कोर्स के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर एडमिशन ले लिया है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके कोर्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना पूरा 1 साल का कोर्स लीगली तौर पर वैलिड है, आप अपना पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स, यानी कि जो 2 सेमेस्टर्स के अंदर क्लासीफाई होता है, वो आप पूरा कर सकते हो, ना ही आपका कोर्स
आगे बढ़ाया जाएगा, ना ही आपका कोर्स 2 साल का होगा, ना ही आपकी डिग्री की वैल्यू के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, कोई भी इशू नहीं होगा। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप अपना कोर्स परस्यू कर सकते हो, मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जो लोग अभी लॉ ग्रेजुएट जो अपनी डिग्री का वेट कर रहे थे कि भाई हमारी डिग्री आएगी तब जाके हम सोचेंगे कि हम एलएलएम करें या ना करें, 1 साल का करें या 2 साल का करें, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग 1 साल के एलएलएम का कोर्स ज्वाइन करने वाले थे, तो वो सभी लोग रुक जाओ। आपको जो नए कैंडिडेट्स अब एलएलएम का कोर्स ज्वाइन करेंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अब एलएलएम का कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उनको अगर ज्वाइन करना है तो आप 2 साल का एलएलएम कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं, जो एडमिशन करा चुके हैं, वो बढ़िया बात है। लेकिन जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं कराया है, जो सोच रहे थे, तो उनके लिए मैं पहली बोल दूं, आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। आप एलएलएम का 1 साल का कोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको 2 साल का परस्यू करना ही पड़ेगा। ये बार काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा रखी है, उसके अंदर मेंशन है। अब आके एक और बात बताता हूं, जो नए नए ट्विस्ट हैं आपको समझने पड़ेंगे। आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको एक एक बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो लोगों को और अवेयर करोगे कि भाई अब ये नया चेंज आया लॉ के अंदर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। आप एक एडवोकेट हो, आपको एक एक बात की जानकारी प्रॉपर तरीके से आप पहले से खुद ही आपको होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप मेरे को गाइड करो। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करके एक एक डिटेल जो हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए, मैंने वही पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूं, क्योंकि 20 पेज का पूरा गैजेट है, आप उसको पढ़ोगे डिटेल में और भी समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर एक बात आती है कि एलएलबी डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए एलएलएम परस्यू करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फालतू की बात क्या बोल रहा है भाई, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी को एलएलएम करनी है तो एलएलबी तो करनी पड़ेगी, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन एक इसके अंदर गैजेट के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट्स जैसे कि कोई भी ग्रेजुएशन करते थे, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन, कोई भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन जो लोग करते थे, जैसे कि 12वीं पास करी, अब 12वीं पास के बाद 3 साल का किसी ने ग्रेजुएशन कोर्स करा, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो मास्टर्स भी कर सकते हैं, ऑब्वियस है मास्टर्स कर सकते थे। तो मास्टर्स की जो कैटेगरी होती थी, एक अलग लॉ के सब्जेक्ट्स की भी मास्टरी होती थी, जैसे कि अगर किसी को मास्टरी करनी है बिजनेस लॉ के अंदर, और ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर किसी को मास्टरी करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के अंदर अगर किसी को मास्टरी करनी है, तो पहले उसको एक तौर पर बोलते थे एलएलएम, कुछ कॉलेजेस के अंदर मास्टर्स इन लॉ बोलते थे। लेकिन बार काउंसिल ने इस बात को भी क्लेरिफाई कर दिया गया है कि भाई अगर आपको एलएलएम का टैग लगाना है ना अपने प्रोफेशन के अंदर एलएलएम का, तो एलएलएम का टैग जब ही लगेगा जब आपके पास लॉ की डिग्री पहले होगी और आपने 2 साल का एलएलएम का कोर्स करा होगा, तभी आपके ऊपर टैग लगेगा कि इस बंदे ने एलएलएम करी है। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जो 12वीं पास करके जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, अब वो मास्टर्स इन अगर बिजनेस लॉ करना चाहते हैं तो उनके ऊपर कौन सा टैग लगेगा? तो उनके ऊपर टैग लगेगा मास्टर्स इन बिजनेस लॉ। इससे बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि बंदे ने सिर्फ बिजनेस लॉ के अंदर एक मास्टरी कर रखी है, एलएलबी नहीं है इसके पास, एलएलएम नहीं है इसके पास, इसके पास एक एमबीएल एक शॉर्ट फॉर्म रख दी जाएगी, मास्टर्स इन बिजनेस लॉ। ऐसे ह्यूमन राइट्स के अंदर मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स MHR, ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अंदर मास्टर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ MITL, ऐसे नाम प्रेजेंट करे जाएंगे। आप इन सारी डिग्रीज को सिर्फ एक टैग लगाकर एलएलएम नहीं बोल सकते, आपको लगाना है अगर एलएलएम की डिग्री करनी है तो ऑब्वियस है 3 साल की ग्रेजुएशन या फिर और फिर साथ में 3 साल का एलएलबी का कोर्स, फिर साथ में 2 साल की एलएलएम, और अगर आपको 12वीं पास करके 5 साल का एलएलबी का कोर्स होता है, उसके बाद 2 साल की एलएलएम, जब जाके आपकी प्रॉपर एलएलएम के कोर्स पूरा होगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपने गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर सारी बातें क्लैरिफाई कर दी गई है। अब आगे एक और मैं बात बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग एलएलएम करने का सोच रहे हैं इनके लिए तो ये बहुत अर्जेंट बात है। अब इसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आखिरी बात और बोली है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज के अंदर अगर एलएलएम का एग्जाम, मतलब एलएलएम करनी है, तो ऑब्वियस एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम पूरे भारत के अंदर एक ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ करेगा एलएलएम का, जिसका नाम होगा PGCETL। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन लॉ, इसको एंट्रेंस एग्जाम ये रखा गया है नाम। एलएलएम करने का मास्टर इन लॉ के अंदर आपको करनी है, अगर एलएलएम का कोर्स करना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर अगर आप मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं तो तभी
आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है ना, तो वैसे ही एलएलएम का भी पूरा एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर किसी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपने आप को एज एन एडवोकेट पूरे भारत के अंदर एनरोल कराना है तो उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो बार काउंसिल पूरा भारत के अंदर एक ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। वैसे ही एलएलएम के लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियली न्यूज जारी कर दी है कि आप सभी कैंडिडेट्स को एलएलएम अगर करनी है तो PGCETL का भाई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो तभी आप एलएलएम का कोर्स कर पाओगे। और इसके अंदर एक और बात है, आप बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई अभी ये लागू हुआ है नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, अभी ये लागू प्रॉपर नहीं हुआ है, ऑफिशियली अभी लागू नहीं हुआ है। जिन स्टेट्स के अंदर जिस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एलएलएम करने के लिए, जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज अगर कोई अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो वैसे ही चलेंगे, अभी वैसे ही चलेंगे जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफाई नहीं हो जाता है कि आज से भारत के ऊपर सारे एंट्रेंस सारे एलएलएम के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है वो सब बंद कर दिए जाते हैं, अब से सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। ऐसी नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम के अंदर आ जाएगी, लेकिन अभी जिस करंटली बेसिस पे जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एलएलएम के रिगार्डिंग, मास्टर्स इन लॉ के रिगार्डिंग, वो वैसे ही चलेंगे। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि आज से PGCETL लागू होता है, तब से आप सभी लोगों को सिर्फ यही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और अपनी एलएलएम का कोर्स परस्यू करना पड़ेगा। अब आप इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन से जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया है, सारी के सारा 20 पेज का जो गैजेट आया है मैं मैंने आपको कंक्लूजन में बताया, अगर आपका मन में कोई भी डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपका मैं प्रॉपर तरीके से व्यूज जरूर जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा करके बिल्कुल सही करा है, या लॉ की जो प्रोफेशन था उसको बहुत ज्यादा हार्ड करा है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस इंटेंशन से क्या ये स्टेप्स लिए हैं, आप क्या सोचते हैं, आप मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो ऐसी पसंद आती है, ऐसी अपडेट्स आप जानना पसंद करते हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करके लोगों को जरूर अवेयर करिएगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, आपका एक धर्म है, क्योंकि आप एक लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर ऐसी वीडियोज आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।